की सियासत सर उठा रही है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर यूपी के चुनावी मैदान में उतरेगी, मगर बीएसपी की मुखिया ने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच नए समीकरण साधे जा रहे हैं। सियासी दांवपेच के बीच अब कुनबा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इस कवायद के बीच गठबंधन की ऐसी अटकलें शुरू हुई कि खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सफाई देनी पड़ गई। यूपी चुनाव में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी EIMIM के साथ आने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसे अब मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर लड़ेगी। ये खबर गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। BSP इसका जोरदार खंडन करती है। ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, जिसके जरिए पता चल रहा था कि शायद बसपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करके यूपी चुनाव में उतर सकती है। पर मायावती ने आज सुबह अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे सीरीज ऑफ ट्वीट्स करके ये क्लैरिफाई किया कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बसपा ओवैसी के साथ जा सकती है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब के अलावा बीएसपी किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। देखिए, तैयारी पूरी है और आज बहन जी ने घोषणा कर दी है कि हम पंजाब को छोड़ के जहाँ भी उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर मजबूती हमारी ना होती तो बहन जी घोषणा भी नहीं करती। मजबूती बहुत पक्की है, सब तैयार है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी का गठबंधन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से है और माना जा रहा है कि बिहार के बाद अब ओवैसी यूपी में भी पांव पसारने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी के ऐलान के बाद ही बीएसपी से गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई थी। उधर मायावती की अकेले यूपी चुनाव में उतरने के ऐलान पर विरोधी पार्टियां तंज कस रही हैं। वो अकेले लड़े चाहे लोगों के साथ मिलकर लड़े, उनकी स्थिति जग जाहिर है। बीएसपी अपना पूरा विश्वास जनता से खो चुकी है। जिस तेजी के साथ उनके पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और तमाम संगठन के लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं और खासकर कांग्रेस के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि यूपी में भी AIMIM और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अब मायावती के ऐलान के बाद गठबंधन की इन खबरों पर विराम लग गया। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।